महिलाओं को मैं क्या सुझाव या एडवाइस देना चाहता हूं। नमस्कार, आप कैसे हैं? नहीं, उठते कह रहा हूं। तो महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहता हूं, और मैंने जवाब दिया कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए, और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या घर में हो, स्कूल में हो, उनकी उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि यह हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है, और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कोई। अब क्या करती हूं मैं, उड़ीसा हाई में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि भी गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे दिया जो लोग पहले पहले प्रैक्टिस में आते हैं 5 साल के लिए। हम लोगों का डिग्निटी का बात चलता है और रेस्पेक्ट का बात चलता है तो हम लोगों को नहीं मिलता अभी, और काउंसिल में हम लोगों के लिए जगह भी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो लोगों के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे आप? फ्रेंकली, अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं नेशनल लेवल का आपको बता सकता हूं, मगर अगर आप उड़ीसा का सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उड़ीसा की डिटेल आपको बता सकते हैं। मैं आपको जनरल डायरेक्शन दे सकता हूँ। जी जी। तो आप दो शब्द बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप नेशनल के बारे में बोलेंगे। नेशनल के बारे में बोलता हूँ। देखिए, सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं, पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा में पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सुष्मिता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक एमएलए ने महिला का रेप किया, और जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश को डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और जो केस चलना चाहिए था, जो उस महिला को मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री डायरेक्शन देता है, और अगर प्रधानमंत्री सही समय पे क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है तो पूरा का पूरा मैसेज देश में जाता है कि प्रधानमंत्री की राय क्या है। तो जब भी महिलाओं के खिलाफ कहीं भी बलात्कार हो, एट्रोसिटी हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो यह भी हमारी अप्रोच रहेगी, जीरो टॉलरेंस। यहां पे हर रोज क्या 12 महिलाओं का रेप होता है? 8 महिलाओं का हर रोज और ओडिशा में रेप होता है। और कितनी महिलाओं को साल में न्याय मिलता है? 7 महिलाओं को 1 साल में न्याय मिलता है। तो एक
दिन, साल में एक दिन जो महिलाओं पर बलात्कार होता है उनको न्याय मिलता है, बाकी दिन का जो बलात्कार हो रहा है उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये भी मतलब बहुत जरूरी चीज है कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होगा इस मामले में। यहां पे मेरा एक सुझाव है, अब पता नहीं थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, मेरा सुझाव है कि महिलाओं को ओडिशा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे वो लॉयर डॉक्टर इंजीनियर बनने की शिक्षा हो, सबकी सब फ्री होनी चाहिए, मेरा सुझाव है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है, और खासतौर से जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसी दो तीन चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कोई उस तरफ से क्वेश्चन पूछे? Then others can see. A very good morning, sir. Good morning. This is Dr. Namrata here. Sir, being a doctor, I would like to ask. Odisha faces a lot of maternal mortality and nutritional issue is a lot among the children. So if the Congress government comes into power, how are you going to address this problem? I think, number one, you want me to answer in English or Hindi? Hindi. सबसे पहले ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है। ओडिशा की जनता जरूर गरीब है, मगर ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है, मगर जो ओडिशा की जनता है उनके हाथ में नहीं जाता। और जितना पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपके अस्पतालों में, आपके स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा हम डालेंगे, तो पहला ये कदम होगा। दूसरा कदम, यहां पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी बड़ा संगठन है, महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी का विजन था नेशनल लेवल पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और उसके भी दो तीन सुझाव हैं, उनका जो बैंक लोन है और उनकी मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब पीछे की तरफ से एक क्वेश्चन है, जो मैटरनिटी डेथ्स होती हैं, आमतौर से मैटरनिटी डेथ को इंफॉर्मेशन से, और अगर महिला हॉस्पिटल में जाके चाइल्ड बर्थ करे तो इससे कम होता है, मगर अगर हॉस्पिटल्स नहीं है तो फिर ये किया नहीं जा सकता। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हाई क्वालिटी का अस्पताल, और उस अस्पताल में गरीब से गरीब लोगों को एक्सेस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी करे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर यंग लड़कियां आई हैं कॉलेज से और पीजी कर रही हैं कॉलेज में है, इन लड़कियों में से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को पूछने। हेलो सर, थैंक यू मैम फॉर गिविंग चांस टू टॉक अबाउट। सर आप बोले जैसे कि ओडिशा में इफ कांग्रेस आता है तो सबको लॉ इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट करने के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, बट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स सर, when women are interested in most of the girls are interested in sports, so what will you do? So what sport are you interested in? Sir, like badminton and hockey, everything. Sorry, I couldn't hear you. Sir, badminton, hockey, like we will also like to go, and cricket also we will interested to go. And what would you like us to do? Sir, आप हमें सुझाव दीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, बताइए। सर मेरे को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में सर, आई वुड लाइक टू गो, आई एम वेरी गुड इन बैडमिंटन, सो आई लाइक टू गो इन दैट फील्ड, सो क्या सर हम लोग को फैसिलिटी, आपको 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 कोचिंग कौन देता है? सर मैं अभी तक तो कोचिंग ली ही नहीं हूँ, बट मेरे को इंटरेस्ट है आगे। अच्छा, और आप जब बैडमिंटन खेलती हैं आप कहाँ खेलती हैं?
स्टेडियम में खेलती है? हाँ, स्टेडियम में भी खेलते हैं सर, लेकिन लोकल। और स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सर? वो आपके बहुत पास ही खराब है सर। कोर्ट सीमेंट का है, घास का है, किस चीज का सर? ग्रास का ही है, लेकिन फिर भी सूखा हुआ उतना खास नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उनके लिए हम कोचिंग का सिस्टम तैयार करें, और जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट है अगर हम उसको थोड़ा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, स्टेडियम की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, तो ये हमारी कोशिश होगी। मगर इसके लिए जो आपका पैसा है, देखिए आपको एक चीज समझनी है, उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं, धन है, काफी पैसा है, मगर वो जो पैसा है वो आपको नहीं मिलता। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक शू शॉप चलाते हैं। अच्छा, आपके पापा शू शॉप चलाते हैं? यस सर। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सुना है अनिल? रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे एचएल की फैक्ट्री है, हैगी ना? यस सर। आप लोग जानते हैं एचएल की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एचएल को मिलना था। यहाँ पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था, मगर प्रधानमंत्री जी ने एचएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र, नमस्कार, अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएल यहां पे इंजन बना रही है, 70 साल से एचएल में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने जो पैसा आपको मिलना चाहिए, आप क्या, आप स्पोर्ट्स करती हो, आप क्या खेलती हो, आप पढ़ाई करती हो, क्या करना चाहती हो? मामा पापा क्या करते हैं? पापा अरे अरे, और भाई कितने, भाई बहन कितने? चार है। वो क्या करना चाहते हैं? एक लेक्चर, लेक्चर और एक नर्सिंग, और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अब देखिए इनके सपने हैं, आप जानते हो कि पिछले 4 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। आपके पापा बैंक लोन लेते हैं? बैंक लोन है आपके पापा के पास? है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका 45,000 करोड़ रुपए बैंक लोन है, और उस जैसे 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए बैंक लोन माफ किया, तो नरेंद्र मोदी ने आपके पापा का बैंक लोन क्यों नहीं माफ किया? आप यहां घबराई हुई हो, आप कह रही हो कि मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, आप कह रही हो कि आप एएनएम बनना चाहते हो, आपके भाई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर जो आपके स्कूल का पैसा है, आपके बैडमिंटन का पैसा, बैडमिंटन कोर्ट का पैसा है, आपकी मेडिकल ट्रेनिंग का पैसा है, वो तो प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। मेहुल चौकसी
नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। विजय माल्या का नाम जानते हो? किसी ने सुना है विजय माल्या का नाम? वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके पापा या आप किसी से चोरी करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। Obviously, sir. तो अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मेहुल चौकसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? नीरव मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि आपकी जो सरकारें हैं उनको इन लोगों ने पकड़ के दबा रखा है, और जो इनकी पकड़ है इनसे सरकार को निकालना यह आपकी जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप और आप एक दिन विधानसभा में और लोकसभा में दिखाई दें, इसीलिए हम महिलाओं का रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।